दोस्तों नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका श्रीनिवास टीम में एक बार फिर से। दोस्तों मैं सूरज सिंह। दोस्तों हमारे पास गोडाउन स्टॉक में जो भी नए नए चाय आते हैं उनका मैं टी टेस्टिंग रिव्यू देता हूं, और ये टी टेस्टिंग रिव्यू देखकर आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग चाय चूज़ कर सकते हैं, चाय ले सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। जैसा कि अभी जो नया लॉट आया है वो शारदा मनी बीपी है, इनवॉइस 1216 है, रेट 192 यहाँ पे दिखा रहा है। तो सबसे पहले इसका हम दाने का लुक देख लेते हैं, यानी कि अपीयरेंस। तो दोस्तों ये देखिए ब्लैक पूरा काला अपीयरेंस हो गया दोस्तों, ग्रैनुअल दानेदार पूरा बीपी का ग्रेड, और सामने इसका इन्फ्यूज़न भी ब्राइटर है लीकर। ओके, सेकंड में आ रहा अपना लबैक ओएफ इनवॉइस 549, रेट भी सामने दिया हुआ है दोस्तों, देख लीजिए आप लोग। तो दोस्तों ये ब्लैकिश में ये भी है, हल्का सा ब्राउनिश में है, लबैक आसाम का है दोस्तों, जी हाँ फ्रेश चाय, नई चाय। उसके बाद इसका जो है इन्फ्यूज़न देखिए ब्राइटर कॉपरी, और सामने इसका लीकर काफ़ी गाढ़ा है दोस्तों, अच्छा लीकर आया है, कलरफुल है। उसके बाद मानवी बी ओ पी एस एम दोस्तों फैमिली के लिए बेस्ट दाना माना जाता है, ये आइडियल दाना है दोस्तों। देखिए ब्लैकिश अपीयरेंस में ग्रैनुअल पूरा दानेदार, अच्छी कटिंग, सामने देखिए इसका इन्फ्यूज़न ब्राइट है, और ये लीकर। ओके दोस्तों, उसके बाद मोहे पोकरी बी ओ पी एस एम, ये भी बी ओ पी एस एम है दोस्तों, ये ज़्यादा ब्लैकिश है मानवी बी ओ पी एस एम के अकॉर्डिंग। हाँ, इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा फ्रेश आ रही है दोस्तों, और ये ब्राइटर इसका इन्फ्यूज़न है, और लीकर थोड़ा सा लाइट लग रहा है मुझे। उसके बाद अवनी बीपी है दोस्तों, 155 का रेट है, इनवॉइस 1482 है दोस्तों, ब्लैक अपीयरेंस बहुत ही अच्छा दानेदार बीपी का। ओके दोस्तों, देख रहे हैं आप लोग इसकी कटिंग, ये सामने इसका लीकर। उसके बाद आते हैं दोस्तों गटुंगा पीएफ, ओके इनवॉइस 12047, रेट 489, वाह दोस्तों बहुत ही हाई रेंज में प्रीमियम चाय लग रही है, बिल्कुल जी हाँ ये प्रीमियम है। इसकी कटिंग बहुत ही अच्छी दोस्तों, पीएफ ग्रेड में है, ब्लैकिश हल्का सा जस्ट ब्राउनिश शेड में है, पूरा ब्लैकिश है, स्ट्रॉन्ग खुशबू आ रही है इसमें दोस्तों, और इस सामने इसका इन्फ्यूज़न दोस्तों काफ़ी ब्राइट है, काफ़ी ब्राइट, इसको बोलते हैं रियल कॉपरी दोस्तों, बहुत ही ब्राइट है, अदर्स जो चाय हैं इसके आगे टिक नहीं रही है। तो दोस्तों ये देखिए इसका गाढ़ापन भी ज़बरदस्त आया है, कलर अगर बात करें कलर की बहुत ही ठीक है इसका लीकर। और उसके बाद अस्मी बीपी इनवॉइस 1066, रेट 193, ये भी दोस्तों अच्छा बीपी का ग्रैनुअल दानेदार, बढ़िया सा अपीयरेंस। ओके ये चलिए हमने देख लिया, सामने इसका लीकर है, देख लीजिए आप लोग। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग टेस्ट करते हैं लीकर का, देखते हैं कौन सी चाय का टेस्ट बेहतर आ रहा है इस बार, आइए। शारदा मनी बीपी में बहुत ही अच्छा स्वाद है दोस्तों, स्वाद बहुत बढ़िया आ रहा है इसमें। लबैक ओएफ स्ट्रांग है दोस्तों, बहुत ही अच्छा कड़क चाय, मानवी बीओपी से में स्वाद है दोस्तों, स्मूथ चाय है, कड़क नहीं है। मोहे पोकरी बीओपी से उससे भी ज़्यादा स्मूथ है, स्वाद अच्छा आ रहा है। अवनी बीपी थोड़ा सा कड़क है और स्वाद भी बहुत ही अच्छा है इसमें दोस्तों। अब गटुंगा पीएफ, ये चाय दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त, जो इसमें कसैलापन आ रहा है, जो कड़कपन बोलते हैं हम लोग, बहुत ही बेहतरीन है इसका, स्वाद भी बहुत ही अच्छा आ रहा है दोस्तों इसमें। फिर आसमी बीपी, आसमी बीपी टेस्ट अच्छा है दोस्तों, स्वाद बढ़िया आ रहा है इसका। अब आइए बारी बारी से हम लोग दूध डालते हैं, उसके बाद देखते हैं दूध डालने के बाद कलर कैसा आ रहा है। सामान मात्रा में दोस्तों हम लोग हर चाय में दूध डालेंगे, देख लीजिए आप लोग, और यहाँ पे चाय सारी अच्छी है दोस्तों, स्वाद में और कड़क में लगभग। सबसे बेहतर लगा मुझे ये गटुंगा, हालांकि प्रीमियम है, बहुत ही बेहतर इसका कड़कपन स्वाद आ रहा है। और उसके बाद ये लबैक ओएफ जो है उसका भी बहुत स्ट्रांग दोस्तों आ रहा है, और रेट के अकॉर्डिंग 208 उसका रेट है, 208 बहुत ही अच्छा आ रहा है लबैक ओएफ का, बहुत ही बढ़िया कप दोस्तों। और ये शारदा मनी बीपी, अब दूध डालने के बाद टेस्ट करते हैं कैसा क्या थिकनेस वगैरह। शारदा मनी बीपी जो दोस्तों स्मूथ चाय है, बहुत ज़्यादा इसमें गाढ़ापन नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, टेस्ट अच्छा है बट
लबाग वेब दोस्तों बहुत ही बढ़िया स्ट्रांग चाय, इस रेट में बहुत ही अच्छी स्ट्रांग चाय मुझे फील करा रही है। बहुत ही बढ़िया इसका स्वाद आ रहा है। मानवी बीओपी से हम जैसे कि बहुत ही लाइट है दोस्तों, ज़्यादा इसमें कड़कपन वगैरह टेस्ट नहीं आ रहा, स्मूथ है। फिर आपका मोहे पोखरी बीपी जो बीओपी एसएम जो है वो भी स्मूथ है दोस्तों। उसके बाद अवनी बीपी का टेस्ट अच्छा आ रहा है दोस्तों। गटुंगा पी एफ दोस्तों, ओवरऑल बहुत ही अच्छा स्वाद इसका, कलर भी काफ़ी ब्राइट है दोस्तों, देख लीजिए आप लोग देख पा रहे हैं। और ये लबाग वेब है, लबाग वेब जो है दोस्तों कलर तो इसका बेहतर है, ये थोड़ा सा रेड में आ गया है, रेड टोन इसका है। और गटुंगा एकदम गोल्डन कप जिसको बोलते हैं उस तरह का आया है ये है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन दोनों कप इन सब चाय में। आसमी बीपी एकदम सिंपल स्मूथ चाय है, प्लेन लग रही, कोई इसमें स्ट्रांगनेस कुछ उतना नहीं है। तो दोस्तों ये सब चाय है, इन सब चाय में जो भी आपको लगती है आपके एरिया के अकॉर्डिंग उसका सैंपल मंगा सकते हैं, डायरेक्ट लॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों ये सब हमने आपका रिव्यू आपको दिखाया, इस तरह की चाय हमारे पास आई है तो आप देख सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।